गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज अपने सेल वॉल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल का डिस्कशन करेंगे अपने, इसमें टू पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपने। एक पार्ट आएगा इसका सेलुलोजिक फाइब्रिल पार्ट, और दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है इसका नॉन सेलुलोजिक पार्ट या मैट्रिक्स पार्ट, यानी टू पॉइंट हो गए अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अपने डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट पार्ट को अपने डिस्कशन करेंगे सेलुलोजिक फाइब्रिल किस टाइप से डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ग्लूकोज मोनोमर है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज आप सब लोग जानते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 जो है वो इसका फॉर्मूला है। इस ग्लूकोज की अप्रोक्स 3000 यूनिट जो है वो आपस में जॉइंट होगी, और जॉइंट होगी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू, और वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी सेलुलोज का। यानी ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल्स यूनाइट होंगे बाय बीटा C6H12O6। इनके बीच जो लिंकिंग होगी वो लिंकिंग कौन सी बता रहा हूँ आप लोगों को, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनका डिस्कशन करेंगे अपने बायोमॉलिक्यूल्स में और डिटेल से करेंगे, बट अपने यहाँ इतना याद रखना है कि ग्लूकोज के अप्रोक्स 3000 मॉलिक्यूल्स जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होंगे, जिसके फॉर्मेशन करेंगे सेलुलोज की फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल है वो अप्रोक्स 100 मॉलिक्यूल जो है वो जॉइंट होंगी, और ये फॉर्मेशन करेंगे आपके किसकी, ये करेंगे आप लोगों के वन मिशेली की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वन मिशेली की। और इसी टाइप से आप कहेंगे कि ये मिशेली जो है वो अप्रोक्स 20 मिशेली ये आपस में जॉइंट होगी, यूनाइट होगी, और यूनाइट होकर फॉर्मेशन करने वाली है किसकी भाई, ये करेगी माइक्रोफाइब्रिल की। इस टाइप से कितनी यूनिट है ये, 20 जो मिशेली है वो आपस में जॉइंट होगी। ये मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, काउंटिंग करके नहीं, 20 मिशेली जो है वो आपस में जॉइंट होगी इस टाइप से, और जॉइंट होकर किसकी फॉर्मेशन करेगी, वन माइक्रो फाइब्रिल की। और ये जो वन माइक्रो फाइब्रिल है, यानी ऐसे माइक्रो फाइब्रिल अप्रोक्स 250 माइक्रो फाइब्रिल जो है वो आपस में यूनाइट होंगे, और यूनाइट होने के बाद में किसकी फॉर्मेशन करने वाली है भाई, ये आपके फॉर्मेशन करेंगे किसकी, मैक्रो फाइब्रिल की। और ये जो मैक्रो फाइब्रिल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह से काम करेंगे किसकी, सेल वॉल की। यानी आप डायरेक्टली यूं कह सकते हो कि ये जो मैक्रो फाइब्रिल्स है, सेलुलोजिक फाइब्रिल जो है वो सेल वॉल का स्केलेटन डेवलप करेंगे, सेल वॉल का स्केलेटन डेवलप करेंगे। कौन भी सेलुलोजिक फाइबर्स जो है, और इन्हीं फाइबर्स के बीच में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, नॉन सेलुलोजिक मैट्रिक्स। देखो इनके बीच में ड्रॉ करते हैं इस टाइप के जो मैक्रोफाइब्रिल्स जो है उन मैक्रोफाइब्रिल्स के बीच में आप लोगों को क्या मिलेगा, ये नॉन सेलुलोजिक मैट्रिक्स मिलेगा। और इस नॉन सेलुलोजिक मैट्रिक्स में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, जनरली इस नॉन सेलुलोजिक मैट्रिक्स में आप लोगों को एक तो मिलेगा वाटर, दूसरा मिल सकता है हेमी सेलुलोज सेलुलोज लिपिड, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये अपने को जनरली नॉन सेलुलोजिक मैट्रिक्स में मिलेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कि पहली बात तो आप लोगों ने कहा कि जो मैक्रोफाइब्रिल्स है इनका एक एंडोस्केलेटन, ये यूं मान लें कि स्केलेटल सिस्टम डेवलप होगा, और उसी स्केलेटन के अंदर अपने को क्या मिलेगा, ये आपके नॉन सेलुलोजिक मैट्रिक्स जो है वो फिल्ड रहेगा। और इस टाइप से सेल वॉल की जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है, या ये मान लें कि सेल वॉल में आप लोगों को इस टाइप की स्ट्रक्चर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आसपास से पूछ सकता है, या तो आपको मिशेली पूछ सकता है,
ये आप लोगों से माइक्रोफाइबर में कितनी भी सेली ज्वाइंट होती है वो पूछ सकता है, या कई बार भी उसको बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेलुलोज जो होता है वो किसका पॉलीमर है, तो ग्लूकोज सेलुलोज किसका पॉलीमर है, भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसका एक स्क्रीनशॉट लें आप, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। इसके जस्ट बाद अपने डिस्कशन करेंगे ये जो सेल वॉल है इसका ओरिजिन किस टाइप से हुआ, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन किस टाइप से हुई, स्टार्टिंग किस टाइप से हुई सेल वॉल की, किस टाइप से ओरिजिनेट हो रही है सेल वॉल, इसका डिस्कशन अपने इस चैप्टर में अब नेक्स्ट पॉइंट में करने वाले हैं। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के ओरिजिन की बात करें आप लोग तो सीधा सा पॉइंट ये निकल के आता है कि सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम या इन टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। कब बनेगी सेल वॉल, तो आपने कहा कि इन टीलोफेज स्टेज जो होती है सेल डिवीजन की, उस टीलोफेज में सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और किस फॉर्म में होती है वो भी फ्रैग्मोप्लास्ट की फॉर्म में। ये आप लोगों से पूछ सकता है कि फ्रैग्मोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, तो फ्रैग्मोप्लास्ट एक्चुअल में क्या होता है कि वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। अपने को पता है कि प्लांट में जो गोल्जी बॉडी है उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, प्लस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें आप लोगों को ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स मिलने वाले हैं। डिक्टियोसोम यानी कि प्लांट गोल्जी बॉडी यानी वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आप लोग कह सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। देखो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेल डिवीजन के टाइम में जो डेवलप हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, उन्हीं स्पिंडल फाइबर्स का कुछ पोर्शन प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस है आपके गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स है, वो जॉइंट होकर किसकी फॉर्मेशन करेगी, क्या बनाएगी, फ्रैग्मोप्लास्ट। और ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है वो ही डिपॉजिट होती है और सेल वॉल की फॉर्मेशन या सेल वॉल का ओरिजिन करती है, स्टार्टिंग करती है। और ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन कंप्लीटेड इन सेंट्रीफ्यूगल मेथड। देखो सेंट्रीफ्यूगल मेथड क्या है, मान लें अपने पास इस टाइप से टीलोफेज की बात कर रहे हैं कि ये सेल थे, इसमें इस टाइप से स्पिंडल फाइबर्स थे, ये टू न्यूक्लियस फॉर्मेशन अप्रोक्स स्टार्ट हो चुकी थी। अब इनके बीच में जो मटेरियल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी एंड स्पिंडल फाइबर्स है वो बीच में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद इसके ऊपर अदर मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं और सेंटर से ये पेरिफेरी की तरफ बनना स्टार्ट होता है, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो सेंटर से स्टार्ट होती है, सेल के बीच में से स्टार्ट होती है और सेंटर से स्टार्ट होकर पेरिफेरी की तरफ जा रही है। इसी मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड, यानी सेंट्रीफ्यूगल मैनर में ये क्या होगी सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। तो सेल वॉल का ओरिजिन जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रैग्मोप्लास्ट जो है वो क्या होते हैं, तो ये अपने को याद रखना, बाकी ज्यादातर इसमें कुछ भी नहीं पूछने वाला। या फिर ये किस स्टेज में किस डिवीजन की कौन से डिवीजन के टाइम में सेल वॉल बनना स्टार्ट होती है वो आप लोग ध्यान रखिए टीलोफेज में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि ये जो सेल वॉल है उसकी ग्रोथ किस टाइप से होगी, सेल वॉल की जो स्टार्टिंग होगी इसकी ग्रोथ किस टाइप से होगी, उसका भी डिस्कशन करते हैं। देखो सेल वॉल की ग्रोथ से रिलेटेड टू हाइपोथेसिस जो है वो अपने दिए गए हैं। फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो आपका है इंट्रोसेप्शन, यानी ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, इससे रिलेटेड टू हाइपोथेसिस जो है वो दिए गए हैं, यानी सेल वॉल किस टाइप से मोटी होगी, किस टाइप से उसकी थिकनिंग होगी, यानी माने सेल वॉल किस टाइप से ग्रो करेगी, उसके टू मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है इनटू ससेप्शन और सेकंड जो बात करेंगे वो करेंगे अपने एपोजिशन की, एपोजिशन मेथड। देखो फर्स्ट आपने कहा इनटू ससेप्शन और दूसरा है आपका
एपोजिशन मेथड। देखो एपो इंटरसेप्शन मेथड है, डिपोजिशन डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की फॉर्म में जब सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होगा तो उसको बोलेंगे इंटरसेप्शन मेथड, और जब आप लोग कहेंगे कि डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, यानी लेयर्स की फॉर्म में डिपोजिट होगा तो उसको बोलेंगे एपोजिशन मेथड। देखिए मोस्टली इस इंटरसेप्शन मेथड से प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इस मेथड से बन रही है, और एपोजिशन मेथड से आप लोगों की मोस्टली टर्शियरी सेल वॉल प्लस में आप लोग बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो बोथ मेथड से इंटरसेप्शन प्लस एपोजिशन दोनों मेथड से हो रही है। देखें एक बार इसका एपोजिशन और इंटरसेप्शन मेथड बच्चों के समझ में नहीं आया तो एक बार इसको देखेंगे। मान लो अपने पास ये फ्रैगमोब्लास्ट था, इस टाइप से ये फ्रैगमोब्लास्ट था, यानी सेल वॉल की स्टार्टिंग हो चुकी थी। इसके ऊपर मान लो इस टाइप से इस साइड में मैं देखो वो पार्टिकल्स फॉर्म में डिपोजिट कर रहा हूँ, इस टाइप से डिपोजिशन हो रहा है मटेरियल, तो इसको बोलेंगे आप इंटरसेप्शन मेथड। इस टाइप से डिपोजिशन हो और यू कहें कि इस टाइप से डिपोजिट हो रहा है, इस मेथड से डिपोजिट हो रहा है, लेयर्स की फॉर्म में डिपोजिट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप लोग एपोजिशन, और इसको क्या बोलेंगे आप लोग इंटरसेप्शन मेथड। तो सेल वॉल फॉर्मेशन के या ग्रोथ ऑफ सेल वॉल जो है उसके टू मेथड्स है, एक इंटरसेप्शन और दूसरा है आप लोगों की एपोजिशन। इसका स्क्रीनशॉट में इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो आपका थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल यानी जो सेल वॉल है वो थिक कैसे होगी, मोटी कैसे होगी, थिकनिंग कैसे होगी, उसकी मोटाई कैसे बढ़ेगी, तो थिकनेस कैसे बढ़ने वाली है, तो वो है आपकी थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल जो है उसमें देखो डिपोजिशन होगा, किसी ना किसी मटेरियल का डिपोजिशन होगा। इस थिकनिंग से रिलेटेड अपने बात करेंगे, एक टॉपिक आता है लिग्निफिकेशन। देखो नेम से क्लियर है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन सेल वॉल इज नोन एज लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन यानी सेल वॉल जो है उसके ऊपर किसका डिपोजिशन होना, भी लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो हो जाए तो उसको बोलेंगे आप लोग लिग्निफिकेशन। और मोस्टली लिग्निन का डिपोजिशन होगा, लिग्निन जो होती है उसकी वजह से जो सेल है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सेल जो है सेल बिकम इनएक्टिव। सेल जो है वो कैसी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। अब इस लिग्निन का डिपोजिशन होता है मोस्टली It is continuous, but discontinuous at some area. यानी कुछ एरिया पे क्या मिलेगा, discontinuous हो जाएगा। मतलब मोस्टली कोई कंटिन्यूस है बट कैसा जाए, कुछ एरिया में क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। दोज एरिया यानी जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा, दोज एरिया आर नोन एज पिट्स। यानी जिन एरियाज पे डिपोजिशन नहीं हुआ उन एरिया को आप लोगों ने क्या बोल दिया, पिट्स बोल दिया।
देखें क्या हुआ, मान लो अपने पास इस टाइप से एक सेल थी, ये सेकंड सेल थी, ये मैं डार्क कलर से जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेल वॉल है, सपोज है इस सेल वॉल पे आप लोगों को ये प्राइमरी सेल वॉल और बीच में जो ब्लैक कलर से दिख रहा है आप लोगों को, इसको आप मिडल लैमेला ले लें, मिडल लैमेला, और ये ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपकी प्राइमरी प्राइमरी वॉल है, इस साइड में भी प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल देखें। अब क्या हुआ, मैं इस साइड में ड्रॉ नहीं कर रहा, अब इस प्राइमरी वॉल के ऊपर सपोज दैट ये लिग्निफिकेशन होने लग गया, लिग्निन का डिपोजिशन होने लग गया, ये मोस्टली कंटिन्यूस है इस टाइप से, बट इस एरिया में आके ये डिसकंटिन्यूस हो गया और फिर वापस कंटिन्यू हो गया, या फिर डिसकंटिन्यूस फिर कंटिन्यू, सेम इसी सेल में जनरली जिस एरिया में एनी जो पिट्स फॉर्मेशन हो रही है वो सिमिलर है, यानी दोनों साइड में सेम जगह पे पिट फॉर्मेशन होगी, इन एरियाज को जहां डिसकंटिन्यूटी है इन्हीं एरियाज को आप लोग नेम दे रहे हैं पिट्स, यानी ये एरिया कौन से हुए भी आप लोगों के, ये हुए आपके पिट्स, यानी जिन एरियाज में डिसकंटिन्यूस है उन एरिया को आपने क्या नेम दे दिया पिट्स। अब देखो इन पिट्स की बात करें तो इन पिट्स के बीच में आप लोगों को कुछ एरिया दिख रहा होगा, ये बीच का एरिया दिख रहा होगा जिसमें आप कहोगे सर मिडल लैमेला दिख रही है और इस साइड में भी प्राइमरी और इस साइड में भी प्राइमरी वॉल दिख रही है, तो पिट्स जो होती है उसमें एक होती है पिट मेम्ब्रेन, पिट मेम्ब्रेन, इस पिट मेम्ब्रेन की बात करें तो पिट मेम्ब्रेन इंक्लूड करती है आपके प्राइमरी प्राइमरी वॉल प्लस में मिडल लैमेला, लैमेला प्लस में प्राइमरी वॉल, इधर दिख जाएगा आप लोगों को, ध्यान रखें पिट मेम्ब्रेन में प्राइमरी वॉल देखें, प्राइमरी वॉल ब्लू कलर, फिर बीच में ब्लैक कलर यानी मिडल लैमेला, और फिर इस साइड की ब्लू कलर की मेम्ब्रेन यानी प्राइमरी वॉल, तो इन दोनों तीनों को मिला के आप क्या बोलते हैं अभी पिट मेम्ब्रेन नहीं हो चाहिए, तो आपकी ये हुई पिट्स कि पिट्स की फॉर्मेशन होगी लिग्निफिकेशन के टाइम में, लिग्निन का डिपोजिशन जो है मोस्टली कंटिन्यूस होता है बट सम टाइम में डिसकंटिन्यूस होगा, उन एरियाज में आप लोगों को पिट मेम्ब्रेन मिलने वाली है, उन एरियाज को आप लोग नेम देंगे पिट्स, तो एक बार इसको नोट करें आप लोग, फिर अपने डिस्कशन करें टाइप्स ऑफ पिट्स की बात कर लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पिट्स की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ पिट्स जनरली अपने को मिलते हैं, एक आते हैं आपके सिंपल पिट्स एंड दूसरे आते हैं आप लोगों के बॉर्डर्ड पिट्स, फर्स्ट है आपके सिंपल सिंपल पिट्स, देखो सिंपल पिट्स का डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये सिंपल पिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग इसमें नोटिस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कहीं, क्योंकि मान लो दोनों को इस टाइप से देखा जाए तो इनके बीच का जो एरिया है यानी पिट कैविटी जो है, यानी ये जो है वो क्या है आपके पिट कैविटी है, पिट कैविटी, इस पिट कैविटी का डायमीटर जो है वो यूनिफॉर्म है, तो सिंपल पिट्स में क्या होता है डायमीटर डायमीटर ऑफ पिट पिट कैविटी इज यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा डायमीटर मिलने वाला, कहीं डिग्री जो कहीं इंक्रीज नहीं होने वाला, पिट कैविटी का डायमीटर सेम रहेगा, ऐसे पिट्स को आप लोग बोल देंगे जनरल पिट्स या सिंपल पिट्स, और सेकंड टाइप्स ऑफ पिट की बात कर लेते हैं वो आप लोगों के आते हैं बॉर्डर्ड पिट्स, बॉर्डर्ड पिट्स की बात कर लेते हैं, देखो बॉर्डर्ड पिट्स की बात करें तो ये बॉर्डर्ड पिट्स किस टाइप से होते हैं थोड़ा सा ध्यान नहीं करें, मान लो ये मिडल लैमेला, सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इधर, इस मिडल लैमेला की जस्ट बोथ साइड में आप लोगों ने ड्रॉ किया प्राइमरी वॉल और इस साइड में भी प्राइमरी
प्राइमरी होल के बाद आप कह रहे थे कि सर इसमें थिकनिंग हो रही है, देखो इसमें थिकनिंग थी बट थिकनिंग जो है वो इस टाइप से थिकनिंग हो गई। इस टाइप से थिकनिंग जो है वो हो गई, यानी यहां जो लिग्निन था उसने क्या किया, जो प्राइमरी होल है उससे थोड़ा सा दूर हट गई, सेपरेट हो गई। सो हमने एक यूनिट डेवलप करा उसमें, ये डेवलप हो गया। इस टाइप के पिट में आप लोग देखेंगे ध्यान से कि यहां तो पिट केविटी जो है उसका डायमीटर ये है, इस एरिया में देखेंगे तो पिट केविटी का डायमीटर ये है, और इसके बिल्कुल पास में यहां देखेंगे तो इतना डायमीटर जो है वो पिट केविटी का है। देखो इधर से देखो, ये देखें इस एरिया का डायमीटर तो सिंपल छोटा, इसका फिर थोड़ा सा इंक्रीज, फिर इसका इंक्रीज, यानी आप देखेंगे कि ये सेल है तो सेल के इनसाइड टू आप आउटसाइड जाओगे तो डायमीटर डायमीटर ऑफ पिट केविटी इंक्रीज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी सेल के इनसाइड टू आप आउटसाइड चलोगे तो पिट केविटी का डायमीटर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसे पिट्स को आप लोग क्या नहीं कहते हैं, इनको बोलते हैं बॉर्डर पिट। देखो बॉर्डर पिट में आप लोगों को ये पिट मेम्ब्रेन तो मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं, यही क्या है भाई आपके पिट मेम्ब्रेन है, पिट मेम्ब्रेन, देखो पिट मेम्ब्रेन है। बट इस पिट मेम्ब्रेन पे सुबेरिन डिपोजिशन हो जाता है, किसका डिपोजिशन हो गया भाई, सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, और सुबेरिन का डिपोजिशन होने से ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, इस स्ट्रक्चर को स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर जो सुबेराइज्ड हो जाती है, इसको बोलते हैं टोरस। क्या बोलते हैं, टोरस, क्या बोलते हैं इनको टोरस, यानी एक बैरियर का काम कर रही है, टोरस डेवलप हो जाएंगे। बॉर्डर पिट में आप लोगों ने कहा कि पिट का डायमीटर जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड इंक्रीज होता है, सीधी सी बात अपने के कि टू टाइप्स ऑफ पिट्स मिलेंगे, एक सिंपल पिट्स हैं, सेकंड वन आप लोगों को मिलेंगे बॉर्डर पिट्स। तो कुल मिला के आपके ये आपके टॉपिक हुआ पिट्स का, या यूं मान लें कि लिग्निफिकेशन का टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट होता है। उसी लिग्निफिकेशन से रिलेटेड एक तो स्ट्रक्चर डेवलप होगी आपकी पिट्स, और दूसरा जो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा जो पूछा जाता है वो आता है कि प्लाज्मा डेसमेटा, प्लाज्मा डेसमेटा लिग्निफिकेशन से रिलेटेड है कि जिस टाइप से पिट्स डेवलप हो रहे थे उसी टाइप से कह रहा है कि कई बार जो इनकी सेल वॉल होती है वो पोरस हो जाती है, सेल वॉल जो है वो पोरस हो जाती है, यानी अपने को स्टडी करना है प्लाज्मा डेसमेटा। प्लाज्मा डेसमेटा की बात करें अपने तो इसमें क्या होती है, सेल वॉल, सेल वॉल पोरस हो जाएगी, कैसे हो जाएगी भाई, पोरस हो जाएगी, सेल वॉल में पोर क्रिएट हो जाएंगे। तो आप लोग डायरेक्टली इसको याद रखिए, एग्जाम में जो डायरेक्टली पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये रहता है आपका प्लाज्मा डेसमेटा होते क्या है, तो आप लोग दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस between two adjacent cells, यानी जो पास पास वाली सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, भी प्लाज्मा डेसमेटा नेम देते हैं। तो डायरेक्टली ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को आप क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा डेसमेटा। तो ये तो अपना टॉपिक हुआ लिग्निफिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद में थिकनिंग ऑफ सेल वॉल में सेकंड पॉइंट आता है आपका, वो आता है क्यूटिनाइजेशन या क्यूटिकुलराइजेशन। क्यूटिनाइजेशन क्यूटिनाइजेशन और इसी से रिलेटेड एक क्रम आती है आप लोगों के क्यूटिकुलराइजेशन, क्यूटिनाइजेशन और क्यूटिकुलराइजेशन। देखो क्यूटिनाइजेशन और क्यूटिकुलराइजेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही डिपोजिशन होता है, क्यूटी क्यूटीन का, और यानी डिपोजिशन
डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन क्यूटीन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स की फॉर्म में क्यूटीन का डिपोजिशन है उसको बोलेंगे क्यूटीनाइजेशन। और क्यूटीन क्यूटीनाइजेशन क्या होता है, डिपोजिशन डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम, सम पार्ट स्टेम पे और लीफ पे जो डिपोजिशन होगा क्यूटीन का इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स की फॉर्म में जो डिपोजिशन होगा क्यूटीन का किस पे, एपिडर्मिस पार्ट पे अपर सेल वॉल के बाहर की साइड में, तो उसको बोलेंगे क्यूटिक्यूलराइजेशन की प्रोसेस में देखेंगे। तो क्यूटिनाइजेशन और क्यूटिक्यूलराइजेशन। इसके अलावा आप लोगों का एक थिकनिंग में थिकनिंग से रिलेटेड भी और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है सुबेराइजेशन। चलो यहां लिखता हूं सुबेराइजेशन की बात करें तो डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। देखो सुबेरिन जो होता है वो वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है। जनरली अपने डिस्कशन करेंगे सुबेरिन का डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेजियन स्ट्रिप्स ऑन एंडोडर्मिस एंड कॉर्क पे और एंडोडर्मिस पे आप लोगों का सुबेरिन का डिपोजिशन। और सुबेरिन जो है वो क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल है, वाटर इम्परमिएबल है। एंडोडर्मिस जब अपने एनाटॉमी डिस्कशन करेंगे उस टाइम अपने डिस्कशन करेंगे कि एंडोडर्मिस पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और वो उसको क्या कर देता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल बना देगा। उसके जस्ट बाद में लास्ट एंड फाइनल आप लोगों का जो टेक्निक बचती है वो बचती है आपके मिनरल्स का डिपोजिशन, लाइक वाइज कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन। तो मिनरलाइजेशन या डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इतना ही डायरेक्टली लिखेंगे अपने डिपोजिशन ऑफ मिनरल, यानी CaCO3 का डिपोजिशन जो है उसको आप बोलेंगे मिनरलाइजेशन। यही मान लें कि मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये सेल वॉल का जो टॉपिक था अपना वो कंप्लीट हो गया। पर्टिकुलर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सेल वॉल डिस्कशन कर ली। अपने नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो सेल मेम्ब्रेन का लेंगे, फिर इसके बाद में अलग अलग सेल्स के टाइप जो है वो करने वाले।